बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक चल रही है और चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में ये मीटिंग हो रही है। विधायकों को दिए गए प्रिविलेज नोटिस पर भी चर्चा की जा रही है। बीजेपी के 9 विधायकों को प्रिविलेज नोटिस दिया गया था। तो ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक चल रही है, चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है इस मीटिंग में, और वो 9 विधायक जिन्हें प्रिविलेज नोटिस दिया गया था उनको लेकर भी चर्चा इस बैठक में की जा रही है। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है शिमला में और प्रिविलेज नोटिस जो 9 विधायकों को दिए गए थे उस पर भी चर्चा की जा रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जा रही है। आप जरा तफसील से बताइए इस बैठक का मकसद क्या है। बिल्कुल मुमताज जी, देखिए बीजेपी विधायक दल की बैठक इस वक्त विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में हो रही है और कुछ देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई, क्योंकि आज सुबह ही सभी विधायकों को निर्देश दिए गए थे कि आप शिमला आइए और यहाँ पर विधायक दल की बैठक होनी है, क्योंकि बीजेपी के जो 9 विधायक हैं उनको विधानसभा जो सचिव है उनकी तरफ से नोटिस दिए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान यानी जब बजट सत्र था उस दौरान सदन की अवमानना हुई है और विशेषाधिकार हनन हुआ है, तो उससे जुड़ा हुआ ये नोटिस है और इसको नोटिस में यही कहा गया है कि आपको क्यों ना निलंबित किया जाए और जो रखना है तो आज 18 मार्च तक आपने या तो व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना है या फिर आपने लिखित में ये इसका जवाब जो है वो देना है। तो अभी बैठक यहाँ पर चल रही है, सभी 9 विधायक मिलेंगे इसको लेकर इसमें डिस्कशन होनी है और उसके बाद यह अधिकरण भी तैयार है। साथ साथ